नेक्स्ट सॉल्यूशन आज की वीडियो में हमने आपको 19.2 के जो क्वेश्चन नंबर 2 तक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क के लिए दिया था। मुझे उम्मीद है आपने अब तक के सारी वीडियो का सॉल्यूशन कर लिया और नोट्स बना लिए होंगे। दोस्तों अगर नहीं किया तो जरूर कर लेंगे, क्योंकि सबका लिंक डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दोस्तों इसमें हमने 3 सदिश रखे हैं, ये तथा ये, और कह रहा है इनका योग ज्ञात करना। तो इसको किसी एक को ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर मान लेते, दोनों का योग, तीनों का योग कर देंगे, आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, लेट्स सी। दोस्तों सॉल्यूशन यहाँ शुरू है। हम इसको ए बी सी या पी वन पी टू पी थ्री या एफ वन एफ टू एफ थ्री कुछ भी एस बी विश जो चाहे मान सकते हैं। हमने इसको या स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर से, हमने सपोज करा कि कैपिटल लेटर से मान लिया, कैपिटल लेटर ए 3i प्लस का 7j माइनस का 4k, आप चाहें तो स्मॉल लेटर स्मॉल ए बी सी से भी मान सकते हैं। तो ये आ गया दोस्तों बी वेक्टर। बी वेक्टर हमारे पास है ये i माइनस का 5j और माइनस का 8k, एंड सी वेक्टर दोस्तों ये आ गया हमारे पास ये 6i माइनस का 2j और प्लस का 12k। तब हमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है, योग यानी कि सबका प्लस। तब योग को लिखेंगे दोस्तों, योग इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इट विल कम आउट। दोस्तों इसको ऐड करते हैं, 6, 3, 9 और 1, 10 यानी 10i और ये माइनस 5 और 2, 7 सात कैंसिल हो गए, इसको लिख सकते हैं 0j, ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 8, 4, 12 ये कैंसिल होगा दोस्तों, ये भी 0k इज इक्वल टू, चाहे तो आप इसे ये लिख दीजिए और या फिर 10i करके छोड़ दीजिए, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें दोस्तों देखा हमें OA वेक्टर, OB वेक्टर, AB वेक्टर बताना है। तो यानी पोजीशन वेक्टर यानी O के पदों में क्या निकालेंगे, AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, सबट्रैक्ट करने का आंसर हो जाएगा। कैसे, लेट्स सी। सिंस सॉल्यूशन दोस्तों यहीं से है, क्योंकि हमने गिवन लिख दिया, क्वेश्चन उतार रहे हैं, क्वेश्चन को आंसर के टर्म उतार रहे हैं, यहीं से आंसर हो गया। इस आगे का टर्म ये है, सिंस AB इज इक्वल टू, हाउ कैन वी राइट AB, दोस्तों सेकंड माइनस फर्स्ट यानी OB माइनस OA, दोनों का मान लगा देंगे दोस्तों, OA वो भी कितना है, ये है 5i प्लस 3j माइनस का k माइनस OA, माइनस हटा रहे हैं, माइनस 2i प्लस j माइनस k। अब दोस्तों इसको करना है i और एक ही i, 5 में से 2 गए 203, 3i 3j और j मिलकर 4j, k k दोस्तों माइनस 2k, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों सिक्स क्वेश्चन वेरी सिंपल, आपके लैंग्वेज में दोस्तों इन्होंने क्या दिया है कि P और Q के स्थिति सदिश, वर्ड दिया दोस्तों स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। तो उसके बाद में हमें पूछ रहा है कि P Q का मापांक, तो दोस्तों पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका हमने आपको सिखा दिया, O लगा देते हैं, ओपी यानी P का पोजीशन वेक्टर, ओपी मान लिया, गिवन में यही सा आंसर है, OQ इधर रखा है, और मापांक P Q का मापांक। दोस्तों पहले क्या करेंगे, P Q फाइंड करेंगे, OQ माइनस OP सबट्रैक्ट करेंगे, दोनों मापांक ले लेंगे, रूट आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, लेट्स सी। अभी क्वेश्चन क्या था, आगे से हम आपको थोड़ा थोड़ा डिवाइस देने वाले हैं दोस्तों, लेकिन अभी चूंकि स्पीड बन रही है और आपको इसका आइडिया पूरा कंप्लीट कर देते हैं, तभी हम आपको आगे देंगे डिवाइस। तो OQ माइनस खोल रहे हैं, माइनस 2i माइनस 3j और माइनस 7k, अब इसको एड या सबट्रैक्ट कर लेते हैं दोस्तों, ये i ये है, i ये है 5, 2, 3i 2, 3, 5j 4, माइनस 3k, ये आ गया दोस्तों PQ। अब क्या करेंगे, मापांक ले लेंगे, कुछ नहीं लिखना है, बस इंप्लाइज रेट लगा लेंगे ऐसे, या ऐसे लिख देंगे अब, बस एक बार लिख देंगे अब और गुणनफल मापांक दर्शन या गया 3i माइनस का 5j माइनस 3k, ये मापांक दोस्तों मापांक हटता है, रूट आ जाता है, इधर देखते हैं इट कम मिलाओ रूट के अंदर 3 का स्क्वायर ऐसे लेके जा रहा है, फिर डायरेक्ट करेंगे माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ijk की कोफिशिएंट ले लिया, गुणा 3 3 9 5 5 25 3 3 9 और यहाँ पर PQ मापांक भी दे सकते हैं,
इससे दिखाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे इसको मापा लगा के ऐसे लगा दीजिए, वेक्टर लगा के मापा लगा दीजिए, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तीन वेक्टर दे रखे हैं दोस्तों ए बी सी और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, पहले ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों तरफ मापांक ले लेंगे, रूट के अंदर आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद में आपको 8, 9, 10 यानी लगभग आगे के तीन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वो हम आपको होमवर्क के लिए देंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। तो ये क्वेश्चन कैसे होता है लेट्स सी। सबसे पहले दोस्तों इसकी वैल्यू निकालेंगे, दिखाएंगे चूंकि ए प्लस टू बी प्लस टू सी, इसकी वैल्यू हम लिखने वाले हैं दोस्तों ऐसे, ए एज इट इज, ए की वैल्यू आ गई 2i प्लस 2j माइनस 3k, ये होगी ए की वैल्यू, प्लस 2 बी वेक्टर, बी वेक्टर है दोस्तों i माइनस 2j और प्लस 2k प्लस 2c, 2 और c, c वेक्टर है दोस्तों ये 4i प्लस 3j प्लस 3k। अब इसका आगे का दोस्तों इधर लिखते हैं, तो ये चला हमारे पास ए प्लस टू बी प्लस टू सी, इधर लिखते हैं ए प्लस टू बी प्लस टू सी इज इक्वल टू, ये हो गया 2i प्लस 2j माइनस 3k, 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस 2i माइनस का 4j, 2i माइनस का 4j, 2i माइनस का 4j प्लस 4k प्लस 8i प्लस 6j, 8i प्लस 6j, 8i प्लस 6j प्लस 6k, 6k। तो दोस्तों ये फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास, 2 और 2 4 8 12 12i, और ये दोस्तों हो गया हमारे पास 6 और 2 8 4 प्लस का 4j, 6 4 10 में से 3 लेस तो बचे 7k। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ मापांक ले लेंगे, तो आप a प्लस 2b प्लस 2c इसका मापांक लिया दोस्तों, इधर भी मापांक लिया यानी मॉड लिया, मॉड का आगे दोस्तों अंडर रूट, तो हो गया 2 to the 4 144 16 प्लस का 7 7 49, इट विल कम आउट 9 6 15 15 और 4 19 का 9 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 यानी 2 209, दैट्स आवर आंसर। ठीक है अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 9 10 बिल्कुल सेम टू सेम है, ये आपको खुद करने हैं, एक में इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन और इनका मापांक वगैरह निकलवा रहा है या पोजीशन वेक्टर पीक निकलवा रहा है, सिंपल है देख लीजिए आराम से हो जाएंगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 11 भी दोस्तों इसी की तरह है, लेकिन इसमें डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक कोजिका ये पूछा है, इसके लिए हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं। ए बी सी की दोस्तों वैल्यू दे रखी है, ए माइनस बी निकालना, फिर इसकी दिक कोजिका निकालना है, फिर ये निकालना है, इसका दिक कोजिका निकालना है, कैसे होगा लेट्स सी। देखिए दोस्तों इधर बता देते हैं हम, सबसे पहले ए माइनस बी फर्स्ट पार्ट, ए माइनस बी का मान निकालना है दोस्तों, तो आप ए का मान बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू रख के सबट्रैक्ट करना है, डायरेक्ट कर रहे हैं ए माइनस बी 2i माइनस ए यानी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 3i, सेम ऐसे ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों 0j, ऐसे सेम माइनस 3 माइनस 2 दोस्तों 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया दोस्तों ए माइनस बी एंड इसका मापांक, तो ए माइनस बी तथा इसका मापांक, मापांक दोस्तों वही अंडर रूट ले लेंगे प्लस 0j, लिखना चाहे 0 को ले लीजिए ना तो कोई बात नहीं है ये। अब ये दोस्तों इसका रूट आ जाएगा और रूट का 3 का स्क्वायर 9, 0 एज इट इज, 5 का स्क्वायर दोस्तों माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो दोस्तों हो जाएगा ये 25 5 30 4 34 यानी कि अंडर रूट के अंदर, राइट। तो ये तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो गया। अब निकालेंगे दोस्तों इसकी डायरेक्शन कोसाइन, तो क्या लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, माना ए माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक कोजिकाएं कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा है, तब दोस्तों कॉस अल्फा जो होता है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी होती है जिस वेक्टर की, उस वेक्टर का आई का गुणांक अब बॉन्ड हमने आपको सिखाया डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, और उसका मापांक कितना 34 विद रूट, यानी कॉस अल्फा, सिमिलरली कॉस बीटा जे का
जे दोस्तों जीरो है, जीरो अपॉन 34 इक्वल टू जीरो एंड कॉस गामा इज इक्वल टू -5 अपॉन अंडर रूट 34। ये हो गया दोस्तों हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि अभी बताया था। सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद में मापांक लेंगे, फिर इसका डायरेक्शन कोसाइन ऐड करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और उसके बाद में इसका फाइनल आंसर दे देंगे। कैसे, लेट्स सी। देखिए सेकंड पार्ट डालते हैं दोस्तों, सेकंड पार्ट क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस टू सी, ए प्लस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू दोस्तों 2i, तो 2i प्लस j माइनस 3 के लिख लेते हैं पहले, 2i प्लस j माइनस 3 के, b की वैल्यू प्लस माइनस i प्लस j माइनस i प्लस j प्लस 2k एंड प्लस c की वैल्यू विद 2 मल्टीप्लिकेशन, 4 × 8 8i प्लस 0 मल्टीप्लाई 0j प्लस 6k। अब दोस्तों इसको सिंपलीफाई करते हैं, यानी कि आई आई कितना होगा, 2i 1i 1i और ये 8 10 1 9 9i j j और j 2j, ये 0 हो गया दोस्तों, तो फिर 2j 3k और 4 2 8 8 में से 3 5k राइट। अब इसका क्या लेते हैं दोस्तों मॉड, तो लिख लेते हैं अब a प्लस b प्लस 2c का मॉड विल कम आउट नॉन में 81 प्लस 2 टू द 4 और 5 टू द 25 दोस्तों ये हो गया हमारे पास 5 4 9 9 और 1 10 10 का 0 हाँ से लगा 1 2 और 8 10 और 1 11 110 आ गया राइट 110 माना। अब मान लें डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन क्वेश्चन दोस्तों हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में डिजीज, माना डिजीज कितने हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा है। तब दोस्तों कॉस अल्फा कितना हो गया, जिस वेक्टर का डिजीज निकालना है उसका आई का गुणांक, यानी आई हो गया 9 अपॉन अंडर रूट 110 कॉस बीटा, जे का गुणांक अपॉन अंडर रूट 110 एंड कॉस गामा इज इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट 110। दैट्स आवर आंसर दोस्तों 13 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ए माइनस बी पूछ रहा है, उसका मापा पूछ रहा है, ये आपको खुद करना है। दोस्तों 15 क्वेश्चन वेरी सिंपल, क्या दे रखा है दोस्तों इसके अंदर, ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं जिनके पोजीशन वेक्टर हमें दिए हुए हैं। अब इनसे एक चतुर्भुज बन रहा है, वो कह रहा है कि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं है। दोस्तों वेक्टर में समांतर चतुर्भुज होने के लिए वेक्टर में कैसे क्या शो करना होगा, सबसे पहले लंबाइयां बराबर, दूसरी बात वो समांतर होने चाहिए, तीसरी बात उनकी दिशाएं भी सेम होनी चाहिए। मेन पॉइंट दोस्तों लंबाइयां भी बराबर आ सकती हैं और दिशाएं भी सेम हो सकती हैं, लेकिन समांतर हैं या नहीं है मेन पॉइंट ये है। अच्छा वेक्टर में समांतर हैं या नहीं है कैसे चेक करते हैं दोस्तों, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों को दोनों लगभग सेम होना चाहिए, एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, तो दूसरा वेक्टर समांतर होने की कंडीशन ये है। तो अब देखते हैं इसको दोस्तों समांतर कैसे होता है, इसके लिए हम सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। देखिए ये बनाया हमने समांतर चतुर्भुज, ये ए बी सी डी। अब हम देखना चाह रहे हैं दोस्तों ए बी, ये सब गिवन है, अब देखेंगे अब नाउ ए बी, ए बी इज इक्वल टू द्वितीय माने प्रथम ओ बी माइनस का ओ ए। अब आप क्या करेंगे दोस्तों OB और OA की वैल्यू लगा लेंगे, माइनस खोल लेंगे, उसके बाद में करेंगे हम डायरेक्ट करना है B में से A लेस, B में से A ये माइनस आई, B में से ये माइनस 2J, B में से ये माइनस K। दोस्तों ये आ गया हमारे पास AB वेक्टर नाउ, एंड अब चाह रहे हैं CD वेक्टर कितना है, AB CD, चलिए CD ले लेते हैं, इधर को ले लेते हैं AB CD, CD वेक्टर दिशाएं भी छोड़िए, समांतर देखना चाह रहे हैं, CD कितना होगा OD माइनस ओ सी, डी में से सी, डी में से सी माइनस आई, ठीक माइनस टू जे और प्लस के। दोस्तों हमने देखा कि देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, ये माइनस के है ये प्लस के है, यानी कि ये दोनों वेक्टर बिल्कुल सेम नहीं है। सेम अगर ये होते दोस्तों तो ये चीज को मान आती और फिर ये वाली कंडीशन बन जाती कि एक वेक्टर अगर ये सेम होता मान लिया
तो ये दोनों आपस में बराबर रख जाते और ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाता। सी डी का मतलब हो जाता लैम्डा टाइम, जहां पर लैम्डा इज इक्वल टू वन हो जाता, यानी दोनों इक्वल हो जाते। अब क्योंकि सेम नहीं है इसलिए ए बी इज इक्वल टू लैम्डा सी डी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो लिख देंगे सिंस ए बी वेक्टर नॉट इक्वल टू या समांतर समानांतर नहीं है सी डी वेक्टर के, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं, समांतर चतुर्भुज नहीं है। यह है दोस्तों हमारा बिल्कुल इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 16 हम आपको करा रहे हैं और 17 आपको खुद करना है। इसमें दिया है दोस्तों हमें ए बी सी कोई तीन अशून्य असंतुलित सदिश है। दोस्तों अशून्य का मतलब है कि शून्य नहीं, यानी ए वेक्टर जो है इक्वल टू जीरो नहीं है, बी वेक्टर भी जीरो नहीं है, सी वेक्टर भी जीरो नहीं, मीन्स टू से इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे ए वेक्टर मान लिया 2i 3j 4 कुछ ना कुछ है, भले चाहे 2i हो 0j 0 के है, या j में हो i j गायब हो, या k में हो i और j वैसे गायब हो, मतलब कोई भी एक दो सदिश भी गायब हो एक सदिश जरूर है इसके अंदर, होना चाहिए होगा, इसलिए इसे कहते हैं अशून्य, यानी इसका कोई ना कोई मान है तीनों का। और ये असमतलीय है सदिश, असमतलीय का मतलब है दोस्तों समतलीय नहीं है, मतलब एक समतल पर नहीं है, कोई इधर रखा है कोई इस दीवार पर कोई इस दीवार पर, तब हमें शो करके दिखाना है कि ये जो इन वेक्टर से मिलकर ये अलग तीन वेक्टर, ये वेक्टर बना, एक ये वेक्टर बना, एक ये वेक्टर बना और एक ये वेक्टर बना, इन तीनों की हेल्प से चार वेक्टर जो बने हैं, इन चार वेक्टरों को हमें शो करके दिखाना है कि एक घात है आश्रित है। दोस्तों इस वर्ड से कुछ याद आ रहा है, एक घात है आश्रित का मतलब है हमने आपको सिखाया था एल आई और एल डी, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स एंड लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स। अब थोड़ा सा हम आपको रिन्यू यानी कि इसका रिकैप दिखाते हैं। एल आई में दोस्तों ये था कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया करते थे हम, तो मान लीनियर कॉम्बिनेशन हम ले लिया कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, लीनियर कॉम्बिनेशन लेते थे अदिश इनके साथ में, और उसके बाद में हम दिखाते थे कि लीनियर कॉम्बिनेशन में जो अदिश राशियां हैं एक्स वाई जेड ये कोई भी इनकी वैल्यू निकालते थे, अगर सारे के सारे दोस्तों जीरो आ रही है तो ये हो जाता था एल आई, और अगर दोस्तों एल डी लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स एल डी यानी एक घात है आश्रित या परतंत्र अगर याद करना है दोस्तों, तो इन सब में जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक अगर जरूर जिंदा बचना चाहिए, अर्थात उसकी वैल्यू हमारे पास मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों हमें ये एल आई और एल डी हमें इसको प्रूफ करना है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, और 17 जो क्वेश्चन है दोस्तों इसके ऊपर है वो हम आपको होमवर्क लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन कैसा हुआ ये हम आपको दिखाते हैं, लेट्स सी। देखिए माना दोस्तों कितने वेक्टर है, 1 2 3 4, इसलिए 1 को जरूर लेके चलेंगे, इससे कैलकुलेशन हमारी इजी होगी। माना 1 x y z, लैंग्वेज क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए आंसर यहीं से शुरू है क्योंकि क्वेश्चन को हमने आंसर के लैंग्वेज में लिख दिया है, जिन्हें दिया है हमें यह सुन सकते, हम सिद्ध करना है ये, तो बिल्कुल आंसर यहां से है, क्वेश्चन को आंसर के टर्म में लिख दिया, इससे आगे के स्टेप ये है। माना अब माना ऐसे लिखेंगे, अब पूरा क्वेश्चन चले, अब माना 1 x y z अदिश राशियां, अदिश राशियां इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि कैसे ए लीनियर कॉम्बिनेशन बना रही है सबके साथ, कि 1 dot ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स के साथ में उसके साथ में याद आने का ए प्लस बी माइनस टू सी प्लस एक्स वाई, अब वाई लेंगे दोस्तों वाई आ गया हमारे पास, ए माइनस थ्री बी प्लस सी प्लस एक्स वाई जेड, जेड आ गया दोस्तों हमारे पास 2a माइनस बी माइनस सी, इस प्रकार है कि इस ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाती है और इक्वल टू जीरो, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया वो जीरो इक्वल हो गया। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इस सब को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर को मन ले लेंगे उसके ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर बी वेक्टर को मन ले लेंगे, सी वेक्टर को मन ले लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, फिर राइट हैंड को लिख लेंगे 0a वेक्टर 0b वेक्टर प्लस में 0c वेक्टर, दोनों और तुलना कर देंगे। इस समय एक्स वाई जेड पहले वैल्यू फाइंड करनी, एक्स वाई जेड ही दोस्तों हमें बताएंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके देखिए इधर देखते हैं दोस्तों, इधर देखते हैं
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी माइनस टू एक्स सी, सेम ऐसे वाई मल्टीप्लाई वाई ए प्लस वाई ए माइनस थ्री वाई बी प्लस वाई सी प्लस जेड में टू जेड ए माइनस जेड बी माइनस जेड सी इक्वल टू जीरो। अब दोस्तों क्या करेंगे, ए वेक्टर सम में से कॉमन ले लेंगे, सेम ऐसे बी वेक्टर कॉमन ले लेंगे और सी वेक्टर कॉमन ले लेंगे। तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास, ए वेक्टर कॉमन लिया हमने, ये बचा वन प्लस का एक्स प्लस का वाई और प्लस का टू जेड, ऐसे ही बी वेक्टर कॉमन लिया, क्या बचा ऐसे वन प्लस का एक्स माइनस का थ्री वाई और प्लस का बी वेक्टर ये आ गया माइनस का जेड, सेम ऐसे सी वेक्टर कॉमन लिया वन माइनस टू एक्स वाई में प्लस वाई जेड में माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब दोस्तों इसको हम दिखाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन से, दोस्तों इधर लिखते हैं इसको, पहले ऐसे लिख लेंगे ये वेक्टर वन प्लस एक्स प्लस वाई, वन प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस टू जेड प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर वन प्लस एक्स माइनस थ्री वाई, वन प्लस एक्स माइनस थ्री वाई और माइनस जेड प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर है दोस्तों हमारे पास वन माइनस टू एक्स, ठीक है वन माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू, दोस्तों जीरो है तो जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जीरो ए प्लस जीरो बी प्लस जीरो सी, क्योंकि मल्टीप्लाई में जीरो तो जीरो 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 प्लस जीरो ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों और तुलना करने पर तो ए वेक्टर का कोफिशियंट ये है, बी वेक्टर का कोफिशियंट ये है और सी वेक्टर का कोफिशियंट ये है, ऐसे ही जीरो जीरो हो गया। अब दोनों और ऑन कंपेयरिंग, अब दोनों और ऑन कंपेयरिंग इन बोथ साइड्स, अब दोनों और तुलना करने पर लिखिए ना, तुलना करने पर तो दोस्तों क्या आएगा हमारे पास वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस का टू जेड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन कह दिया सिमिलरली वन प्लस एक्स माइनस का थ्री वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड वन माइनस का टू एक्स प्लस का वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो हमारे पास थर्ड। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि किसी भी तरीके से इन दो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू में लेके आनी है। अभी तरीका अपने अपने अलग है, दोस्तों हम करने का एक बेहतरीन तरीका है, क्या करेंगे पहले कोई दो क्वेश्चन उठा लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, इसमें से किसी एक वेरिएबल को गायब कर दो, ठीक, फिर इन दोनों क्वेश्चन में से उसी वेरिएबल को गायब कर दो, बाकी ये दो नए क्वेश्चन जो बनेंगे उन दोनों को सॉल्व करके वो दोनों दोनों वेरिएबल आ जाएंगे, तीसरे वेरिएबल को इसी क्वेश्चन में देंगे आंसर आ जाएगा। अब हम यही करने वाले हैं, इसके लिए दोस्तों पहले हम इधर का रफ करते हैं और फिर आपको आगे बताते हैं। दोस्तों एक बात की हम आपसे माफी चाहेंगे, ये क्वेश्चन हमने आपको 16 लिख दिया है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन 15 है और 16 क्वेश्चन आपको डिवाइस करना, तो इसे आप जो है 15 पढ़े 16 की जगह, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे, फ्रॉम वन एंड टू लिख देंगे, फ्रॉम वन एंड टू, राइट। तो दोस्तों इसको हमें अपने मन में मान लीजिए, हमें किसी को कैंसिल करना है तो इसे कैंसिल करना है, z को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, चाहे तो इधर लिख दीजिए या फिर इधर लिखिए फ्रॉम वन एंड टू, वन तो एज इट इज वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, कोई चेंज नहीं करा, इसलिए इक्वेशन नंबर वन की बन रखें। अब टू को हम लिख रहे हैं टू से मल्टीप्लाई करके, तो टू प्लस का टू एक्स और माइनस का सिक्स वाई माइनस टू जेड इक्वल टू राइट हैंड में जीरो है तो जीरो, ये हो गया दोस्तों नई इक्वेशन बन के थर्ड हो गई, इक्वेशन फोर के अंदर क्योंकि इक्वेशन चेंज होकर आएगी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और अब दोस्तों ऐड करने पर ये जीरो, ऐड करने पर दोस्तों साइन कभी चेंज नहीं होते हैं, सेम ऐसे रह लेते हैं, क्या बचा है थ्री प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव वाई
इज इक्वल टू जीरो, यहां दोस्तों इंप्लाइज एट शुरू हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन चल रही है। अब इसको ठीक से लिख लेंगे दोस्तों, 3x माइनस का 5y विल कम आउट माइनस 3, नई क्वेश्चन कह दिया सर हमने। फिर ऐसे ही फ्रॉम, अब इन दोनों क्वेश्चन से फिर से जेड काटना है जैसे कि हमने आपको बताया था। तो जेड दोस्तों कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेम है, तो इधर लिखते हैं दोस्तों अगेन फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, अगेन वर्ड दोस्तों सेकंड के लिए आया क्योंकि हम सेकंड को फिर से यूज कर रहे हैं। तो दोनों को लिखा हमने 1 + x - 3y - z = 0, सेकंड इक्वेशन सेम ये है, ये इंप्लाइज एट इधर लगा देते हैं, ये हो गया दोस्तों हमारे पास सेकंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास 1 - 2x + y - z = 0, ये थर्ड इक्वेशन यहां पे सेम है। अब इन दोनों को फिर से अब दोस्तों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस घटाने पर तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहां प्लस है माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये दोस्तों कैंसिल हो गए, 1 1 ये दोनों फिर से कैंसिल हो गए, 0 हो गए, और ये बचा दोस्तों हमारे पास 3x और ये माइनस का 4y = 0, यानी कि 3x माइनस का 4y = 0, ये दोस्तों हमारे पास फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, अब हो गई दोस्तों हमारे पास सिक्स इक्वेशन। अब इन दोनों को हम सोल्व करना है 3x 5y, एंड साथ लिख देते हैं इसका 3x - 5y = -3, ये हमारे पास दोस्तों फिफ्थ थी, और इसको माइनस ये प्लस ये प्लस ये कैंसिल, दोस्तों ये बचा हमारे पास y और ये बचा 3, यही आंसर हो गया दोस्तों y का, ये तो y का आंसर हो गया। अब y की वैल्यू दोस्तों किसी एक क्वेश्चन में इसमें रख देंगे और फिर मिल जाएगा हमें x, और x का मान फिर इन तीनों में से किसी एक में रख देंगे z का मिल जाएगा, राइट। अब दोस्तों y का मान किसी एक क्वेश्चन में रख देते हैं 6 में या फिर एज यू विश, तो जो भी अच्छे इसमें रखते हैं, पुट इन द वैल्यू y इन क्वेश्चन 6, y का मान सभी का 6 में रखने पर, तो दोस्तों रख रहे हैं y = 3, इट कम आउट 3x + 12 = 0, ये हो जाएगा दोस्तों 3x = 12 और x = 4। अब दोस्तों x और y का मान किसी एक इक्वेशन में देंगे इन तीनों में से, तो इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं आपको। अब दोस्तों लिखेंगे आप x = 4 and y = 3, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं फर्स्ट में रखने पर, तो दोस्तों रखते हैं 1 + x = 4 y = 3 + 2 और z में निकालना दोस्तों, तो 2z = 0, 4 × 3 = 8, तो दोस्तों इसका 2z = -8, तो z = -4। तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने देखा अगर x = 4 y = 3 and z = -4, ये तो इनमें से कोई जीरो ही नहीं आया दोस्तों, इसका मतलब जीरो नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एल आई या एल डी, एल डी, ठीक। तो लिखेंगे चूंकि x, y, z ≠ 0, अतः दिए गए वेक्टर्स, जो भी हमें वेक्टर्स दे रखे थे दोस्तों वो a + b + c जिसका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था, राइट, वो वाले वेक्टर्स, अतः दिए गए वेक्टर्स एल डी, यानी कि इन्हें लिखेंगे एक घात आश्रित एल डी है, ये दोस्तों मैं चूंकि प्रूफ करना था तो ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अब दोस्तों इसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो बिल्कुल सेम टू सेम है जो आपको अपने आप करना है, हम चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको DYS मींस डू योर सेल्फ, आपको अपने आप करना है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बिल्कुल सेम टू सेम है। अब इसमें 17 में क्या करना है दोस्तों, तीन वेक्टर दे रखे हैं फिर से हमें, कौन कौन से, एक तो ये वेक्टर, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, ए बी सी मिलाकर, ये ए बी सी मिलाकर, इसमें केवल सी दे रखा है, ये दोस्तों हमें दिखाने हैं समरेखीय हैं ऐसे ही, और तीनों ए बी सी शून्य असमद्विबाह सदिश है,
मतलब वही जैसे हमने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था। अब हमें शो करके दिखा समरी की है, मतलब एक ही रेखा में दोस्तों ये बताइए आप, तीन बिंदु अगर एक ही रेखा में है तो इसका मतलब ये है कि ए से लेकर बी तक की एक रेखा और ए से लेकर सी तक की एक रेखा दोनों समांतर होनी चाहिए। अगर ये तीसरा बिंदु दोस्तों अगर ये समरेखीय, मान लिया हमने समरेखीय नहीं है, इधर रखे समरेखीय नहीं है तो इधर होगा, तो ए से लेकर बी तक का ए बी सी, ए से लेकर बी तक का और ए से ही सी तक का, ये दोनों समांतर नहीं होंगे क्योंकि ये समरेखीय नहीं है। समांतर तभी होंगे ए से ही बी तक ले आना है और ए से ही तीसरे बिंदु सी तक ले आना है। अगर ये बिल्कुल एक के ऊपर एक रेखा दिख गई और वेक्टर में क्या दिखाएंगे, एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर या एम टाइम्स या टी टाइम्स या एन टाइम्स, जो भी हमने आपको बताया था समांतर दो वेक्टर समांतर होने की कंडीशन, वो कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब यहां पर क्या कंडीशन है दोस्तों, अगर समरेखीय है तो ए से लेकर बी और ए से लेकर सी एक के ऊपर एक यानी समांतर, पहली बात। अगर ये समांतर नहीं है दोस्तों, समरेखीय मतलब समरेखीय नहीं है, तो ए से लेकर बी तक की रेखा ए से लेकर सी तक की रेखा खींचेंगे दोनों समांतर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इट मींस टू से ये तो हमने सीख लिया दोस्तों चित्र में। अब हम मैथमेटिकली कैसे यूज करने वाले हैं, इन दिए गए वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कैपिटल ए बी सी, यानी ये वेक्टर के मान है ए, बी का मान है दोस्तों ये, सी का मान ये, यानी कि ए का पोजीशन वेक्टर दोस्तों ये वाला है, बी का पोजीशन वेक्टर ये वाला है और सी का पोजीशन वेक्टर ये वाला है, तब हमें शो करके दिखाना है कि समरेखीय है। तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, टैक्सी माना, इसको हम लिख रहे देते हैं आपके समझने के लिए, इधर लिखते हैं हम माना, ये पोजीशन वेक्टर है दोस्तों ए, ए का पोजीशन वेक्टर ए बी सी माना, और माने का मतलब दोस्तों ये है कि हम बिंदुओं को ए बी सी से शो कर रहे हैं, पी क्यू से आर से भी कोई भी शो कर सकता है, हम ए बी सी से शो कर रहे हैं। इसलिए हमने ए बिंदु का जो गिवन वेक्टर है हमें सिद्ध करना है ये कि ए का पोजीशन वेक्टर दोस्तों ये है, तो पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका है ओ ए, यानी कहीं कहीं पर भी मूल बिंदु होगा ओ, इससे मिला देंगे इसको ये, तो इनके पोजीशन वेक्टर दोस्तों हमने लिख लिए ओ ए, ओ ए हमारे दोस्तों हमारे पास ए माइनस का टू बी और प्लस का फाइव सी, सेम ओ बी टू ए माइनस फोर बी प्लस सेवन सी एंड ओ सी है हमारे पास थ्री सी, तो थ्री सी लिखने का तरीका दोस्तों लिख सकते हैं जीरो ए प्लस जीरो बी और प्लस थ्री सी, कंप्लीट वेक्टर लिख देना राइट। अब इसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, ए बी और ए से ही ए सी निकालना है। अब ये दोनों समांतर हो जाने चाहिए, अगर ये समांतर है तो ये वाली कंडीशन है और समांतर नहीं है तो फिर ये वाली कंडीशन है, इसका मतलब ये समरेखीय है और ये समरेखीय नहीं है। इट मींस टू से अब लिखेंगे, अब ए से लेकर बी तक ओ बी माइनस ओ ए राइट, बी में से ए माइनस कर रहे हैं, बी में से ए माइनस तो बचा दोस्तों ए वेक्टर, बी में से ए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का टू बी वेक्टर, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब वैल्यू रख के कर सकते हैं सेवन माइनस फाइव प्लस का टू सी वेक्टर राइट, ए बी एंड ए से ही सी, ए सी हो गया दोस्तों ओ सी माइनस ओ ए, सी में से ए तो सी है ये, सी में से ए माइनस ए, सी में से ये प्लस टू बी हो जाएगा, सी में से ये माइनस टू सी हो जाएगा राइट, ये आ गया। इसका दोस्तों हम क्या देंगे, ए इसे हम क्या देंगे फर्स्ट, तो लिखेंगे इसे ए सी है ना और ये हो गया सेकंड, तो लिखेंगे दोस्तों फ्रॉम ए सी, ए सी को एक काम करते हैं इसका पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, आगे अगले स्टेप में लिखते हैं, माइनस कॉमन लिया ए सी, माइनस कॉमन लिया दोस्तों, तो ये माइनस कॉमन लिया हमने, ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर और प्लस टू सी फ्रॉम, अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट से देखें ये वाली वैल्यू जो है ए माइनस टू बी प्लस टू सी, ए माइनस टू बी प्लस टू सी, फ्रॉम फर्स्ट से ए भी रखी है, इट मींस टू से ये आ गया दोस्तों ए सी इज इक्वल टू माइनस ए बी, यानी कि एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस वन का मतलब, माइनस का मतलब माइनस वन इंटू में माइनस वन इंटू ए बी, या ऐसा कर सकते हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों माइनस, यानी कि ए बी इधर लिख लिया, ए बी दोनों माइनस मल्टीप्लाई करी माइनस का ए सी, अब लिख दिया इधर को
AB is equal to minus 1 कर सकते हैं इसे into AC और ये होगा AB is equal to lambda times of AC जहां lambda is equal to minus 1 जो कि अब देखेंगे जो कि समांतर समांतर नहीं समरेख समरेख होने का प्रतिबंध है समरेख होने की कंडीशन है यह प्रतिबंध है राइट अतः क्या लिखेंगे अतः दिए गए वेक्टर समरेख है तो लैंग्वेज पूरी लिखनी है दोस्तों अतः दिए गए बिंदु या वेक्टर्स दिए गए बिंदु लिख देते हैं दिए गए बिंदु कौन से बिंदु ए बी सी जिनके मान जिनके पोजीशन वेक्टर ये हैं यानी कि ये या दिए गए बिंदु या दिए गए वेक्टर्स कैसे समरेख दोस्तों ये हो गया प्रूफ राइट बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों 17 क्वेश्चन ये हमने आपको करा दिया है इसका 18 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम टू सेम है इसी की कॉपी कैलकुलेशन देखते रहिएगा ये आपको अपने आप करना है हम चल रहे हैं दोस्तों 19 क्वेश्चन की तरफ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है अब हमें क्या करना है दोस्तों कि ये वेक्टर्स दे रखे हैं और हमें इनको समतली बताना है एक समतली मतलब एक ही प्लेन पर स्थित है जैसे बोर्ड पर हम तीन लाइन कहीं पर भी खींच दे एक ही वेक्टर ये एक ये और एक ये समतली है अब दोस्तों समतली करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है जैसे एल आई और एल डी करते हैं उसके लिए हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर लिखते हैं 1 लैम्डा म्यू न्यू ऐसी दिशा के इस प्रकार के लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं ऐसे ही दोस्तों इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद में वही अदिश राशियां जो एक्स वाई जेड या लैम्डा म्यू न्यू जो भी मानेंगे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अब एल आई एल डी में यह कहते थे दोस्तों कि ये अगर सारी शून्य आ गई तो एल आई बन गया और सारी शून्य नहीं आई तो ये एल डी बन गया यहां पर बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सारी वैल्यू निकालने के बाद शून्य चेक नहीं करना है बल्कि इन सबका योग यानी 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू जीरो आ जाए सबको कैलकुलेशन सबको ऐड करके अगर जीरो आ रहा है तो दोस्तों ये समतल नहीं है अदरवाइज नहीं है कैसे होता है लेट्स सी देखो देखिए लेकिन माना कितने वेक्टर दोस्तों आंसर यही से है हमने सिद्ध करने के इसी हिसाब से लिख लिया एक वेक्टर दो वेक्टर तीन वेक्टर यानी कि एक वेक्टर दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर लिखेंगे तो माना तीन वेक्टर लेंगे यानी कि 1 लैम्डा और म्यू और ये कौन होता है दोस्तों तो 1 लैम्डा म्यू या 1 एस वाई एज ए विश जो आप चाहें अदिश राशियां इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाती हैं यानी कि 1 इंटू 5 ए प्लस 6 बी प्लस 7 सी प्लस लैम्डा लैम्डा इसको हो गया 7 ए माइनस 8 बी प्लस 9 सी और उसके बाद में प्लस म्यू म्यू हो गया दोस्तों ये वाला लैम्डा हो गया ये वाला ठीक है म्यू हो गया ये वाला 3 ए प्लस 20 बी प्लस 5 सी दोस्तों आप अगर 1 लैम्डा म्यू से कंफ्यूज हो रहा है तो आप 1 एक्स वाई लेकर क्वेश्चन को कर सकते हैं ठीक है इक्वल टू जीरो ये हमने जीरो मान लिया अब यदि ये किसी तरीके से पहले सबसे पहले हमें क्या करना 1 लैम्डा म्यू इन लैम्डा और म्यू की वैल्यू को फाइंड करने जैसे कि हम एल आई एल डी में करते थे सेम वही इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो देखते हैं दोस्तों ये हो गया 5 ए प्लस 6 बी प्लस 7 सी प्लस 7 लैम्डा ए माइनस का 8 लैम्डा बी प्लस का 9 लैम्डा सी प्लस का 3 म्यू ए प्लस 20 म्यू बी प्लस का 5 म्यू सी इक्वल टू जीरो अब क्या करेंगे दोस्तों ए बी सी कॉमन ले लेते हैं ए ए ए यहां से कॉमन लिया तो ये हो गया ए वेक्टर कॉमन लिया 5 प्लस का 7 लैम्डा प्लस का 3 म्यू प्लस बी वेक्टर कॉमन लिया बी हो गया दोस्तों 6 यहां से और बी हो गया यहां से माइनस का 8 लैम्डा और बी हो गया यहां से 20 म्यू प्लस का सी वेक्टर कॉमन लिया सी हो गया 7 प्लस का 9 लैम्डा और प्लस का 5 म्यू
इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे दोस्तों, जीरो को लिख लेंगे जीरो ए प्लस जीरो बी प्लस जीरो सी। तो यहां लिख लेते हैं जीरो ए प्लस जीरो बी प्लस जीरो सी। अब दोनों और तुलना करने पर इधर लिखते हैं, अब दोनों और तुलना करने पर, तो करने पर हो गया फाइव प्लस सेवन लैम्डा प्लस थ्री म्यू, फाइव प्लस का सेवन लैम्डा प्लस थ्री म्यू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन वन। सेम सिक्स माइनस का एट प्लस ट्वेंटी, सिक्स माइनस का एट प्लस का ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, जीरो जीरो है जीरो 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 राइट। और तीसरा मतलब दोस्तों सेवन प्लस नाइन लैम्डा प्लस फाइव म्यू इक्वल टू जीरो। अब हमारी कंडीशन दोस्तों ये आ रही है, अब दोस्तों क्या करना है, इनसे आराम से इसको सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई सी भी दो इक्वेशन ले लेते हैं, मान लिया फ्रॉम वन एंड टू है और इनको हम सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा और म्यू इसको इससे मल्टीप्लाई से लिखेंगे इक्वेशन। नाउ इक्वेशन जो वन है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों एट से इधर, और इक्वेशन जो सेकंड है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेवन से। चलिए आठ बजे चालीस, आठ सत्तर छप्पन लैम्डा, आठ के चौबीस म्यू इक्वल टू जीरो, और दूसरे इक्वेशन ये लिखे सात छंग बयालीस, सात अट्ठे छप्पन और सात बजे चौदह यानी वन फोर जीरो म्यू इक्वल टू जीरो कैंसिल। टू एट प्लस फोर चार दो छह वन म्यू इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों म्यू की वैल्यू हमारे पास आई म्यू इज इक्वल टू माइनस एटी टू अपॉन वन सिक्स फोर, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों दो दिन चार आठ दिन सोलह, पूरा टू टाइम्स कैंसिल हो रहा है, दो दिन चार आठ दिन सोलह टू टाइम्स। इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू। अब म्यू का मान किसी एक इक्वेशन में देंगे, लैम्डा का मान आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो म्यू का मान हम किसी एक इक्वेशन रख देते हैं, मान लिया वन में रख देते हैं, तो म्यू का मान समीकरण एक में रखने पर तो इधर ले देते हैं दोस्तों राइट। तो देखिए इधर से अब म्यू का मान समीकरण एक में रखने पर यह दोस्तों प्रश्न रखने पर तो रखते हैं दोस्तों फाइव इंप्लाइज दैट प्लस सेवन लैम्डा म्यू माइनस वन बाई टू, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो। दोस्तों ये आगे सेवन लैम्डा थ्री बाई टू इधर माइनस का फाइव नीचे वन टू थ्री पांच दूनी दस, ये आगे दोस्तों माइनस का सेवन अपॉन टू और सेवन लैम्डा सेवन से सेवन कैंसिल, दोस्तों लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू। अब क्या करना है दोस्तों, अब यदि दिए गए वेक्टर दोस्तों समतलीय हैं तो वन प्लस लैम्डा प्लस म्यू, तो अदिश राशि हमने ली थी वन लैम्डा म्यू, इनका योगफल शून्य होना चाहिए। लिखते हैं अब वन प्लस लैम्डा प्लस म्यू कितना है, वन लैम्डा माइनस हाफ ये भी माइनस हाफ दोस्तों कट के जीरो हो गया। तो दोस्तों ये जीरो आ गया, तो आते हैं दिए गए वेक्टर्स, दोस्तों कैसे हैं, समतलीय हैं राइट, समतलीय हैं दोस्तों, यही हमारा प्रूव्ड हो गया। इंपॉर्टेंट था दोस्तों क्वेश्चन। अब जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि 19 क्वेश्चन ये हो चुका है और 20 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी की कॉपी है, वो आपको खुद करना है, हम आपके लिए वो डीवाईएस यानी होमवर्क दे रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन दोस्तों आपको अपने आप करना है डीवाईएस। हम चलते हैं दोस्तों 21 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो एक बिंदु यानी एक सदिश को जा रहा है और यह समतल कोई दो और सदिश दे रखे हैं वेक्टर उसके समांतर है। तो दोस्तों कौन सा आर्टिकल लग रहा है इसके अंदर, याद करिए वही वाला आर्टिकल लग रहा है कि एक बिंदु से होकर जाने वाले तथा दो असमांतर सदिशों के समांतर समतल का समीकरण, अर्थात आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस टी बी प्लस एस सी। तो दोस्तों इसको क्या करना है, हमें डायरेक्ट हमने इस क्वेश्चन को आंसर की टर्म में लिख दिया है कि हमें उस समतल का समीकरण ज्ञात करना जो इससे होकर जाता है और सदिश इतने इतने से कि ये समांतर है। तो दोस्तों ये तो हो गया ए वेक्टर।
जिस बिंदु से जा रहा है कैपिटल ए से जा रहा था तो उसका पोजीशन वेक्टर ए स्मॉल ए माना था, तो ए वेक्टर ये हो गया दोस्तों, बी और सी ये दोनों हो गए, और फॉर्मूले में रख देंगे आंसर आ जाएगा कैसे होगा, लेट सी। देखिए आंसर यहां से चल रहा है तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या एक बिंदु से होकर जाने वाले पूरे आर्टिकल का जो लैंग्वेज है दोस्तों सब लिख देंगे, एक बिंदु ए से होकर जाने वाले तथा दो असमांतर सदिशों बी व सी के समांतर समतल का समीकरण क्या होता है दोस्तों, आर वेक्टर इज इक्वल, डायरेक्ट यूज करेंगे दोस्तों, फिगर बनाने की भी कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट यूज करेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस का टी बी प्लस का एस सी, राइट, ये हो गया दोस्तों। अब हमें लिखेंगे यहां पर, यहां दोस्तों ए वेक्टर कौन सा है, उस वेक्टर का पोजिशन वेक्टर यानी ए बिंदु से होकर जा रहा है तो उसका पोजिशन वेक्टर ये है यानी कि ए, यानी ए यहां पर दोस्तों है कितना, i प्लस j प्लस k, और दो सदिश जो है जिनके समांतर है समतल वो ये और ये है, एंड b वेक्टर कितना है -3i + 4j - 7k तथा c वेक्टर इज इक्वल टू 2i, दोस्तों j नहीं है तो 0j लिख सकते हैं, और प्लस का 9k। अब लिखते हैं इधर, अब ये वैल्यू जो है दोस्तों ये सारी इक्वेशन वन में देंगे आंसर आ जाएगा कैसे, देखिए फ्रॉम फर्स्ट इट विल कम आउट r वेक्टर इज इक्वल टू दोस्तों a, a की वैल्यू है i प्लस j प्लस k प्लस t, t की वैल्यू है दोस्तों t इंटू बी, तो t ऐसी है, और b की वैल्यू है -3i + 4j - 7k प्लस टी बी टी और बी प्लस एस सी, सी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, ये है हमारे पास 2i, जे छोड़ सकते हैं 9 के लिख सकते हैं 2i + 9k डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, i के गुणांक अलग ले लेंगे, जे के अलग, के अलग, आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों i + j + k - 3ti + 4tj - 7k, और ये हो गया दोस्तों 2si + 9sk, i कॉमन 1, यहां से i कॉमन यानी कि -3t निशान लगा सकते हैं, और ये प्लस का 2s, राइट, प्लस का j, j में बचा 1 और एक जे ये बचा +4t, और एक जे यहां बचा है नहीं दोस्तों यहीं खत्म, और प्लस का k, k कितना है 1 और माइनस का 7t और प्लस का 9s, तो s और t अल्फाबेटिकल की तरह लिख लेते हैं, तो यानी कि i चाहे इधर i j के इधर लिख दिए, पहले कांस्टेंट लिख लेते हैं 1 माइनस का प्लस का 2s माइनस का 3t i j 1 + 4t j + 1 - 7t + 9sk, ये आ गया, यही दोस्तों हमारा r वेक्टर हो गया, ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया बढ़िया, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं इसके फाइनल क्वेश्चन की तरफ, अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 22, ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों के तीन बिंदु दे रखे हैं जिसमें एक तो मूल बिंदु दे रखा है और दो अन्य सदिश दे रखे हैं, यानी कि कुल मिलाकर तीन बिंदु हो गए, इन तीन बिंदु से होकर जाने वाले पहले तो समतल का समीकरण ज्ञात करना है, फिर बता रहा है कि एक दो बिंदु और दे रखे हैं, इनसे होकर जाने वाली जो रेखा है वो समतल को किस बिंदु पर काटती है, इस जो सेकंड पार्ट है इसको हम बताएंगे बाद में, पहले हम क्या करेंगे दोस्तों तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करेंगे, वो क्या है, r वेक्टर इज इक्वल टू 1 - s - t ब्रैकेट में a वेक्टर प्लस का tb प्लस sc, उसके बाद में क्या होगा हम इसको बाद में दिखाते हैं, ओके देखिए लेट्स सी।
हम जानते हैं सॉल्यूशन दोस्तों यहां से करेंगे, ये क्वेश्चन हमने पूरा उतार दिया है। तो उस समतल का समीकरण क्या है, जो मूल बिंदु और बिंदुओं ये और ये सो का जाने वाला हो जाता है। तो लैंग्वेज लिखेंगे, हम जानते हैं कि तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या है दोस्तों, वो है R वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस एस माइनस टी ए प्लस का टी बी प्लस का एस सी, राइट। अब दोस्तों ये हो गया, ठीक, इसे क्वेश्चन वन कह दिया हमने। अब यहां पर जो हमारे पास A वेक्टर है वो पहले बिंदु, जिस बिंदु से समतल जा रहा उसका पोजीशन वेक्टर, ओ ए बराबर ए वेक्टर, ओ बी बराबर बी वेक्टर, ओ सी बराबर सी वेक्टर, और बी और सी के मान जो है ये और ये है। तो यहां लिखेंगे, यहां जो ए वेक्टर है दोस्तों वो मूल बिंदु है, तो जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, मूल बिंदु जीरो जीरो होते हैं ना, ये आ गया, इधर लिखते हैं। और बी वेक्टर कितना है, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू ये हमारे पास माइनस टू आई फोर प्लस के, माइनस टू आई प्लस का फोर प्लस के, तथा सी वेक्टर इज इक्वल टू फोर आई प्लस टू के, यानी कि फोर आई प्लस टू के, यानी जीरो जे प्लस टू के। अब ये वैल्यू दोस्तों इक्वेशन वन में रख देंगे तो समतल का समीकरण हमारे पास आ गया। तो रखते हैं फ्रॉम वन, आर वेक्टर इज इक्वल टू वन माइनस एस माइनस टी ए वेक्टर, ए की जीरो जीरो जीरो, तो दोस्तों पूरा का पूरा ही तो जीरो हो गया, ठीक, प्लस का। अब आते हैं टी, टी एज इट इज, बी की वैल्यू दोस्तों हमारे पास ये है माइनस टू आई प्लस का फोर जे और प्लस के प्लस टी बी प्लस एस, ये रहा, और सी दोस्तों ये है फोर आई प्लस टू के, जे तो है नहीं, हटा दिया दोस्तों ये सारा जीरो, इसे हटा देते हैं। तो बना हमारे पास माइनस टू टी आई प्लस का फोर टी जे प्लस का टी के, और इधर आ गया दोस्तों प्लस का फोर एस आई प्लस का टू एस के, तो इट विल कम आउट दोस्तों आई और आई ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई को मैं ले लिया माइनस का टू टी प्लस का फोर एस आई, और जे जे एक साथ को मैं ले लेंगे तो बचेगा फोर टी, और जे तो है नहीं तो ये आ गया फोर टी जे प्लस के को मान ले लिया, के आ गया दोस्तों इधर लिख देते हैं के टी प्लस टू एस, ये हो गया हमारे पास के, ये हो गया दोस्तों हमारे पास आर वेक्टर, राइट। अब हम चलते हैं आगे की स्टेप की तरफ, वो बताते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन से। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन जो क्वेश्चन में वो दे रखा था कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, जो सेकेंड पार्ट था उसका ए लिख लिया हमने, दो पहला बिंदु लिख लिया ए वेक्टर, दूसरा बिंदु लिख लिया बी वेक्टर, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा समीकरण हमें याद है। तो हमने पहले बिंदु से जो जा रही है रेखा उसको ए वेक्टर लिख दिया और दूसरे से बी लिख दिया। तो अब लगाएंगे कौन सा, हम जानते हैं कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण वो कितना होता है दोस्तों, आर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस एन बी माइनस ए, आर्टिकल हमने पहले पढ़ लिया। तो लिखेंगे अब तो यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि, यानी वी नो दैट, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है दोस्तों, वो है हमारे पास R वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस एन या एम, कोई सा भी एक अदिश राशि ले लेंगे, बी माइनस ए, राइट। अब इसकी वैल्यू दोस्तों ए और बी जिस बिंदु से जा रही है, जिन बिंदु से जा रही है रेखा वो लिख देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ऊपर है आई माइनस टू जे प्लस के प्लस का एन एज इट इज, बी में से ए घटा रहे हैं, बी में से ए घटा रहे हैं, देखिए वहां पर बी में से ए तो माइनस आई, अब वैल्यू घटा कर देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं बी में से ए, ये टू ये प्लस जीरो जे जे खत्म, और इसमें से घटा रहे हैं प्लस का टू के, ये आ गया दोस्तों, ये आ गया उस रेखा का समीकरण जो दो बिंदुओं को जा रही है, ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर वन कह दिया। अब ये हो गया दोस्तों हमें समतल का समीकरण,
और ये हो गया रेखा का समीकरण। ये रेखा प्लेन को किस बिंदु पर मिल रही है उस बिंदु को बताना है, यानी प्रतिच्छेद बिंदु को बताना है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को निकालने के लिए आर की वैल्यू इस इक्वेशन में, इसे वन कह दिया और इसे टू कह दिया, तो R की वैल्यू इसी क्वेश्चन में रख देंगे और इससे आई जे के गुणांक की तुलना कर लेंगे, S और T के मान आ जाएंगे, उससे N का मान भी आ जाएगा और ये सारी वैल्यू N का मान निकालने के बाद में N का मान यहां रख देंगे, रेखा का समीकरण आ जाएगा। और प्रतिच्छेद बिंदु बाद में बताते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखो अब समीकरण एक व दो से आर इक्वल टू आर रख दिया हमने, तो दोस्तों आर यह है हमारे पास माइनस टू टी प्लस फोर एस आई प्लस फोर्टी जे प्लस टी प्लस या टू एस प्लस टी के, ये हो गया ये क्वेश्चन फर्स्ट। ये आर की वैल्यू होगा, इधर ये आर की वैल्यू होगा, आई मल्टीप्लाई करते हुए तो आई दोस्तों कॉमन ले लिया, वन माइनस एन प्लस जे दोस्तों माइनस टू जे, इधर जे नहीं है तो डायरेक्ट माइनस टू जे प्लस के, के वन प्लस टू एन। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों और तुलना कर देंगे, तो हिंदी इसे एक बार लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो आई का गुणांक ये, आई का गुणांक ये, दोनों इक्वल रख दीजिए, माइनस टू टी तब माइनस टू टी प्लस का फोर एस will be equal to 1 minus n, इसे रोमन अंकों में हमने कह दिया first, and 40 is equal to minus 2, 40 is equal to minus 2, यहां से आ जाएगा दोस्तों minus 2 upon 4 minus 1 by 2, यानी t is equal to minus 1 by 2, and third है दोस्तों हमारे पास 2s plus t equal to 1 plus 2n, ठीक है, देखिए 2s plus t equal to 1 plus 2n, 1 plus 2n, दोस्तों यहां से t का मान लगा देंगे, t का मान रखने पर bring the value of t, it will come out minus half 1 plus 2n। तो हमें t और s इन दोनों को एनी हाउ इनको वैल्यू निकालनी है हमें, तो t का मान अगर हम इसमें भी देते हैं तो s और n में आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया दोस्तों 2s माइनस का 2n और 1 प्लस का 1 बाई टू, इट मीन्स 2s माइनस का 2n 3 बाई टू, और यानी कि s माइनस का n इक्वल टू 3 बाई फोर, एक इक्वेशन ही आई। अब इस इक्वेशन में भी रख देंगे t का मान, तो यहां से भी s और n के मान आ जाएंगे, फिर यहां से s और n के मान ज्ञात कर लेंगे, उससे आंसर आने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट स्क्रीन से दिखाते हैं। अब दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट में t की वैल्यू रखते हैं वही माइनस वन बाई टू, और उससे हमें मिल जाएगा एक s और n में एक नई इक्वेशन। तो रखते हैं दोस्तों के फ्रॉम वन लिखेंगे, फ्रॉम वन ऊपर लिखेंगे, यहां से फ्रॉम वन, फ्रॉम वन हमने लिख ली, उतार ली ये वाली, ठीक। अब t का मान t इक्वल टू माइनस हाफ रखने पर, यहां पर रख देते हैं माइनस हाफ, तो माइनस हाफ माइनस हाफ दोस्तों कट गया वन, प्लस का फोर एस वन माइनस का एन, यानी कि 4s प्लस का n इक्वल टू जीरो। दोस्तों ये आ गई हमारे पास फर्स्ट सेकंड एक क्वेश्चन वन कह दी, एंड दूसरी क्वेश्चन है s माइनस का n इक्वल टू 3 बाई 4, इसे क्वेश्चन नया क्वेश्चन दे दिया, चाहे भले उसे सेकंड दिया हो, अब नहीं फर्स्ट और सेकंड कह दिया। इन दोनों को दोस्तों हम सॉल्व करना है, हमें दोस्तों किसी भी तरीके से n का मान ज्ञात करना है और n का मान हम यहां रख देंगे, यही हमारे पास मेन है, हमें इसकी s की जरूरत नहीं है। तो देखिए n का मान ज्ञात करें, n तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन n को कैंसिल नहीं करना है, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4s प्लस का n यानी 4n इक्वल टू 0, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई इसे कर रहे हैं, यानी कि 4s प्लस का n इक्वल टू 0, ये तो ऐसे ही रहा दोस्तों 1, और 4 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 4s माइनस का 4n इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल 3, नई इक्वेशन चेंज हो गई 3 आ गई, अब माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये बचा दोस्तों माइनस का 3n प्लस 5n सॉरी प्लस का 5n इक्वल टू माइनस 3, यानी कि n इक्वल टू माइनस का 3 बाई 5, बस ये मान निकालना था दोस्तों, ये मान इक्वेशन में रख देंगे, यानी किसमें, इक्वेशन नंबर हमने से बोला सेकंड, सेकंड रख देंगे और हमारे आंसर आने वाला है। तो दिखाते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन से आपको।
तो दोस्तों अब हम लिखने वाले हैं फाइनल आंसर। अब फाइनल आंसर क्या होगा, तो लिखेंगे लैंग्वेज अतः समतल और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु, यानी समतल और रेखा एक दूसरे को जहां मिल रहे हैं। समतल दोस्तों क्या होता है, बड़ी क्लासेस में बीएससी में सीखेंगे, समतल जो होता है प्लेन जो होता है वो भी एक लाइन होती है। हम इधर से देखेंगे आपको ऐसे दिखाएंगे तो ये प्लेन दिखाई देगा, और ऐसे दिखाई देंगे तो एक लाइन दिखाई देगी। तो यानी कि ये प्लेन ये हो गया एक रेखा है, ये रेखा इस प्लेन को जिस बिंदु पर मिल रही है, मान ली ये बिंदु है इस बिंदु पर मिल रही है, तो इसका पोजिशन वेक्टर यानी पी वी कितना होगा, तो वो लैंग्वेज लिखने वाले हैं। वो लैंग्वेज दोस्तों इसमें वो वैल्यू इसमें रखेंगे, आंसर हो जाएगा। अतः समतल और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु का पीवी निम्न होगा, कौन सा, फ्रॉम टू। क्वेश्चन टू को हम उतार लिया, यहां पर एन की वैल्यू रख देंगे, यही हमारा दोस्तों आंसर हो रहा है। तो एन इक्वल टू मान का 3/5 रखने पर तो दोस्तों फाइनल आंसर आने वाला है आर वेक्टर इक्वल टू आई माइनस का 2j प्लस का k माइनस का 3/5 माइनस आई प्लस 2k। दोस्तों 5 एलसीएम लिया तो 5i 5 10j 5k माइनस थ्री से मल्टीप्लाई प्लस 3i माइनस 3 2 6k और अपॉन में दोस्तों हमने ले लिया 5 आ गया बाहर, तो बना दोस्तों 5i 3i मिलके 8i और माइनस ये j और j यहाँ पर है नहीं दोस्तों, तो ये बच्चा माइनस का 10j और k माइनस का k। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, ये 5 पढ़ रहा है यहां लिख दिया। तो यही जो बिंदु मतलब जो बिंदु है प्रतिच्छेद बिंदु वाला जो हमने आपको दिखाया था, ये वाला टचिंग पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर जो मूल बिंदु से मिला देंगे इसको, इस पॉइंट को, यानी कि दोस्तों ये प्लेन है ऐसे। अब इस प्लेन को मैं ऐसे दिख रहा, इसे उठाकर मैं ऐसे दिखाऊं तो आपको एक लाइन दिखाई देगी, ये लाइन राइट, यानी कि ये बोर्ड आपको फ्लैट दिखाई दे रहा। अगर इस बोर्ड को ऐसा उखेड़ के और मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधा कर दूं, फ्लैट कर दूं ऊपर से, यानी कि ग्रीन कलर ये ऊपर आ जाए ऐसे ऐसे कर दूं, तो ये आपकी जो पट्टी है ये पट्टी आपके सामने आ जाएगी। ये उठाया हमने एक इस टाइप से, जैसे ये है डस्टर, ये रखा प्लेन और जब हमने इसको उठाकर सीधा कर दिया तो ये आपको सिर्फ पट्टी दिखाई देगी। ये पट्टी जो हो गई हमारी प्लेन हो गई, यानी यह हो गया। अब इसको, इस प्लेन को बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हैं, इस प्लेन को एक रेखा टच कर रही है यहां पर, और ये प्लेन इतना मोटा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल एक लाइन है, तो लाइन को लाइन टच कर रही है, तो प्रतिच्छेद बिंदु बनता है ना, ये आ गया। तो लाइन को लाइन टच करते हुए जा रही है, ये प्रतिच्छेद बिंदु जो बन गया, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, चाल लिया मान लिया हमने इसे पी कह दिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो निकालना चाह रहे हैं इसे ओ मान लिया, इससे हम मिलाएंगे ये पोजीशन वेक्टर जो आ रहा है दोस्तों, ये वाला है। ये हमने कैसे निकाला है, ये प्रक्रिया आपने देख लिया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, काफी इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत तो है हम मानते हैं, लेकिन आप इसको जरूर करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप इसका आंसर हमने यहां लिख दिया है। तो दोस्तों 22 क्वेश्चन के बाद आज हमने पूरा चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों इस चैप्टर नंबर 19 के आगे को जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो एग्जाम्पल दे रखे हैं, 25 एग्जाम्पल है करीब, और वो सारे लगभग 19.1 और 19.2 के ऊपर हैं जो हमने आपको यहाँ कवर कराई है। आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, उन सारे एग्जांपल्स को भी देखिएगा, इसके बाद में दोस्तों एक विविध प्रश्नावली की एक्सरसाइज है, वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, करिएगा। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन नंबर 22 के साथ में चैप्टर नंबर 19 पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। हमने दोस्तों चैप्टर नंबर 19 में एक्सरसाइज 19.1 और 19.2 का सोल्यूशन आपको लगभग पूरा करा दिया है, लगभग इसलिए बोला कि एक दो क्वेश्चन आपके लिए डिवाइस के लिए दिए हैं। अब दोस्तों 19.2 के बाद में इसके एग्जांपल दे रखे हैं, 25 एग्जांपल दिए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है उनको करिएगा। विविध प्रश्नावली दे रखी है जिसे मिसलेनियस क्वेश्चन कहते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी भी प्रैक्टिस करिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चैप्टर नंबर 20 का सोल्यूशन लेकर हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक आप अपना नोट्स बनाएंगे, मजे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।